हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द CVM, जहां पे आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज़ होने वाली सीरीज़ मिस मार्वल का। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका पहला एपिसोड 8 जून को रिलीज़ हुआ था और लास्ट एपिसोड 13 जुलाई को टेलीकास्ट हुआ था। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एपिसोड की बात करें तो इसमें सिर्फ 6 ही एपिसोड थे। और अगर बात करें इसकी कहानी की, तो इसकी कहानी एक 16 साल की लड़की की, जो कि एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है, और उसको अचानक से पावर मिल जाते हैं, जो कि एक सुपर हीरो फैन है, मतलब एक सुपर हीरो नर्ड जैसे होते हैं, कि एक टीनेज ड्रामा सुपर हीरो की कहानी है, जो कि मतलब एक लाइटनिंग टोन पे चलती रहती है, जिसका ना ही कोई विलेन है ना ही कुछ है, बस हर एपिसोड में बस एक मिस्ट्री बना के रखते हैं लास्ट में, और बिल्कुल लास्ट में ही जाकर के उसको खोलते हैं। और अगर बात करें इसमें लीड किसने निभाया है मिस मार्वल का, तो इसमें लीड में रही है ईमान विलानी, और जिसके फादर का रोल निभाया है मोहन कपूर ने, और इसमें एक कैमियो भी था फरहान अख्तर का। और अगर बात करें फरहान अख्तर के रोल की, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड तक ही लिमिटेड था। और अगर आपको जानना चाहते हैं कि इसमें और क्या होता है आगे, तो उसके लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आपको इस सीरीज़ को अपना समय देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एपिसोड हैं 6, जिसका रन टाइम की बात करें तो इसमें 35 से 50 मिनट तक का रन टाइम है हर एक एपिसोड का लगभग। तो क्या आपको अपना ये समय देना चाहिए? तो अगर बात करते हैं रेटिंग की, तो IMDB ने इसको रेटिंग दी है 6.2, और अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे ये सीरीज़ एवरेज लगी। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, और अगर आप स्किप भी करते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं आप मिस करेंगे। हाँ, ये है कि अगर बात करें ओरिजिन टाइप में सेट करने की, तो इसमें मिस मार्वल के कैरेक्टर का ओरिजिन आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका ऑलरेडी ऑब्वियस आगे फ्यूचर है, जिसका रोल है आगे जो कैप्टन मार्वल का जो सीक्वल आ रहा है उसमें, क्योंकि इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है लास्ट के एपिसोड। अगर आप ये सीरीज़ देखते हैं तो ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, बहुत ही मतलब बस एक टीनेज ड्रामा टाइप की कहानी है। और अगर बात करें मिस मार्वल के फ्यूचर के बारे में, तो जो कैप्टन मार्वल का सीक्वल आ रहा है मार्वल्स में, ये दिखने वाली हैं, जो कि अगर बात करें इसकी एंटिसिपेटेड डेट की, रिलीज़ डेट की, तो मैं जैसा कि अभी कॉमिक कॉन में बताया गया था कि 28 जुलाई 2023 को ये रिलीज़ होगी। तब तक आप इसको देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ फिर किसी अगले सीरीज़ और मूवी के रिव्यू में। सी यू।